5, 4, 3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हेल्थ न्यूज। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। दिल्ली गेट से सिकंदर दूध डेयरी पर हुई 25,000 की चोरी, मामला गंज थाने में दर्ज। दो किस्त नहीं चुकाने पर नाबालिग का अपहरण, फाइनेंस कंपनी बच्ची को उठाकर ले गई कंपनी में, मामला किशनगंज थाने में दर्ज। इमरजेंसी वार्ड के पास मिला नवजात शिशु, हॉस्पिटल स्टाफ ने रखवाया शिशु वार्ड में, पुलिस जुटी शिशु के परिजनों की तलाश में। जीवन साकार निधि लिमिटेड कंपनी निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर हुई फरार, मामला क्लॉक टावर थाने में दर्ज। पाल बीचला में बीती आधी रात अगरबत्ती फैक्ट्री के केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। रामगंज निवासी युवक के साथ किसी अज्ञात ने ATM बदलकर निकाले 31,000 रुपए, मामला रामगंज थाने में दर्ज। जलदा विभाग हाईहाई के बीच पायलट जिंदाबाद के लगे नारे, नागफणी के क्षेत्रवासियों ने किया प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं ने भी किया प्रदर्शन। अधिवक्ता पंकज को वोडाफोन कंपनी का बिल न भरने पर मिली मुकदमे की धमकी, बार एसोसिएशन के अधिवक्ता पहुंचे वोडाफोन कंपनी के स्थानीय ऑफिस। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonin.com। सच के साथ।